YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चरखी दादरी की जहां CCI रेलवे फाटक पर अंडरपास के निर्माण को लेकर इनेलो विधायक राजदीप फोगाट और जिला प्रशासन आमने सामने हैं, एक और जहां प्रशासन ने अंडरपास का एस्टीमेट बनाकर उच्च अधिकारियों को मंजूरी के लिए भेज दिया है, वहीं अंडरपास बनाने की मांग को लेकर इनेलो विधायक राजदीप फोगाट अनशन पर हैं। अंडरपास की मांग और विधायक के समर्थन में लाइन पार इलाके की महिलाओं ने शहर भर में रोष प्रदर्शन किया। CTM को CM के नाम ज्ञापन सौंपा गया और रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी उनकी ओर से दी गई है। आपको बता दें कि अंडरपास को लेकर व्यापार मंडल के प्रधान रविंद्र गुप्ता ने कहा कि यह केवल अकेले विधायक की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोगों की मांग है। CTM मनीष फोगाट ने कहा कि अंडरपास को लेकर प्रशासन ने रेलवे अधिकारियों को एस्टीमेट तैयार करके भेज दिया है और ट्रैक जाम के हालात को देखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए। तो अंडरपास की जो मांग है वो फाटक के आसपास के लोगों की बहुत पुरानी मांग है, जिसको लेकर बीजेपी ने वादा भी किया था कि अंडरपास निर्माण कार्य कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सरकार का स्टैंड है, सरकार के रवैये को देखते हुए स्थानीय लोग अनशन पर बैठे हैं और इनकी अगुवाई जो है स्थानीय इनेलो विधायक राजदीप फोगाट कर रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन का ये कहना है कि मांग तो मान ली गई है, मंजूरी भी दे दी गई है, कितना एस्टिमेट रखेगा इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है, उसके बाद अनशन के मायने नहीं रह जाते, लेकिन अनशन फिलहाल भी जारी है। महिलाओं ने पूरे ही शहर में रोष प्रदर्शन किया है। CTM को ज्ञापन सौंपा गया है जो कि CM के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। अंडरपास की मांग को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है चरखी दादरी की महिलाओं की ओर से।